नागपुर महानगरपालिका के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने पदभार संभालते ही शहर के कई अतिक्रमणों को कार्रवाई कर साफ कर दिया है, जिससे कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई दे रहा है। आइए डालते हैं एक नजर। मनपा कार्यालय में नए आयुक्त का पदभार संभाल रहे तुकाराम मुंडे की नई एंट्री होते ही सबसे पहले नगर सेवक और ठेकेदार से मिलना मना कर दिया, जिसका शहरवासियों ने स्वागत भी किया। आए दिन शहर के अलग अलग परिसर में साप्ताहिक सब्जी बाजार बड़ी संख्या में अतिक्रमण किए दिखाई देते हैं, जिससे सड़क पर चलना किसी सर्कस से कम नहीं है। शहर के अलग अलग परिसर में मनपा द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई की गई। इसी श्रृंखला में संतरा मार्केट परिसर में कई दुकानदारों के अतिक्रमण का सफाया मनपा अतिक्रमण द्वारा किया गया, जिससे दुकानदारों में नाराजगी जरूर देखी गई, तो वहीं शहर के लोगों ने इस कार्रवाई की तारीफ भी की। हमारा कहना ये है कि हमारी 3:30 बजे की दुकान थी, लेआउट करी हुई दुकान पे अतिक्रम तोड़ दिए। 23,000 का टैक्स था, मैंने 56,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मैंने पावती के साथ स्लिप भराऊ मैंने दुकान की, फिर भी मेरी दुकान पे अतिक्रम हुआ। ये कहाँ का न्याय है बताइए। हमारे टेम्पोरवरी उल्टा करके घोषित करे थे हमको। आज 50 साल से हमारी दुकान है, टेम्पोरवरी दुकान है हमारी 50 साल से, टीन का सेट है, सब तोड़ो बोलते हैं। अब हमने कहाँ जाना बताओ। 3:30 बजे की दुकान है हमारी, 23,000 का हमारा टैक्स था, चक्रवृद्धि ब्याज लगा के 56,000 रुपये मैंने दुकान के भराऊ। 56,000 रुपये लेते हो गए तो कारपोरेशन को अच्छा लगा क्या? दर्शकों नमस्कार, इस समय में इन विषय की टीम है संतरा मार्केट में, जो कि 100 साल से भी ऊपर में ऐसे लोग आई जहाँ इनकी दुकानदारी थी। 5 एकड़ में फैले इस संतरा मार्केट में अब तक के कई ऐसे यहाँ पे शुरू के दौर में यहाँ पे अनाज का मार्केट के नाम से ये संतरा मार्केट को जाना जाता था। समय के अनुरूप ये काम बदलता गया और आज यहाँ पे फल का एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ है, संतरा मार्केट के नाम से काफ़ी जाना पहचाना जाता है। इसी संतरा मार्केट में कम से कम 100 के आसपास ऐसी कई दुकानें हैं जो हर रोज अपना गुजर बसर अपने इसी हिस्से करते हैं। इस समय में कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे जानना चाहिए। सर ये बताइए, जिस तरह से आज ये अतिक्रमण कार्रवाई हुई है मनपा की ओर से, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? भैया पहली तो बात है कि वो आए बताए कुछ भी नहीं, अचानक फाड़ना चालू कर दिए, गिरा दिए, चालू कर दिए, बोले ये पूरा गिरा दिए, पूरा माल फेंका, अचानक मना भी पहले दे दिए उन्होंने, बोले भाई मना करना, अभी ये पूरा माल फेंक दिए, पूरा ये दुकानें तोड़ दिए। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाना, हम लोग पेट कैसा भरना। आप देख सकते हैं कि इस समय में नागपुर महानगर पालिका उपद्रव शोध पथक की ओर से, आरोग्य विभाग की ओर से यहाँ पे कुछ इनके ऊपर में चार्जेस लगाए गए। थोड़ा पहन करके बताइए, इन्हें 1,000 रुपये दिए गए, इन्हें 4,000 रुपये दिए गए, ऐसा क्यों हुआ? हेलो, ये तो मतलब कानून के खिलाफ है, पहले बोलना चाहिए, बाद में करना चाहिए कानून का। एक बार हमको बोलना चाहिए कि अब बोलने के बाद में हम लोग हटा, बाद में चालान काटे तो कुछ तोड़े। हम जो गरीब आदमी रोड पे बैठ के हम अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो दुकानदारी में बैठे हुए हैं, उसके बाद तुम यहाँ पर आके सबको सत्यानाश करके जाते हो तो क्या मिलेगा? वही ये बताइए, जिस तरह कार्रवाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे व्यापारी के? हमको नोटिस मिला ना कुछ मिला, सीधा है और तोड़ना चालू कर दिए, पूरा हमारा नुकसान हुआ। हमारा करने अभी दुकान का 1,00,000 रुपया नुकसान है, एक जन का, किसी का 50,000 है, किसी का 1,00,000 है, किसी का 1.5 लाख है, पूरा माल भरा हुआ था। अभी सीजन का टाइम है हमारा, अभी नुकसान ये भरे कौन देंगे? 2-2 लाख रुपये के आदमी का, एक दुकानदार का नुकसान है उसमें। जब अतिक्रमण कार्रवाई जब होने के लिए आई तब मनपा प्रशासन ने कुछ जानकारी दी? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई आया नहीं, कोई नोटिस आया ना, कोई जानकारी नहीं मिली सर। यहाँ पे लोगों की दुकानें तोड़े गए, बुलडोजर आया, बुलडोजर आते जो अतिक्रमण उनके नजरों में जो था वो उन्होंने गिराया। कुछ और भी नौजवान साथी हमारे साथ में, उसे जानना चाहेंगे। सर आप बताइए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए कैसा है, कोई भी कार्रवाई होने से पहले सबसे पहले एक नोटिस दिया जाता है, ठीक है? विदाउट नोटिस दिए आगे सीधा बुलडोजर चला देते, ये कहाँ की कार्रवाई है? ऐसी कार्रवाई थोड़ी ना होती। इनको चालान दिए, चालान देने के बाद भी उसके शेड टप डाले, कितना नुकसान हुआ उनका? एक एक जनने का लाखों रुपये नुकसान हुआ है। किसी हिसाब से कई दुकानदार हैं जिनकी 15-20 दुकानें हैं यहाँ पर इस एरिया में, उस एरिया में अलग दुकान है, उस एरिया में अलग दुकान है। हम लोग संडे का दिन है, आज व्यापार रहता है बहुत सारा, उस हिसाब से हम लोगों ने लगा के माल भर दिए, विदाउट परमिशन कुछ नहीं, आए बस तोड़ना चालू कर दिए। अरे एक नोटिस तो देना चाहिए ना, लीगल काम है ना, लीगल काम के हिसाब से नोटिस तो कम से कम देना चाहिए ना, विदाउट नोटिस ऐसा थोड़ी ना होता है। कितने वर्षों से आप दुकानदार हो इस परिसर में? यहाँ से हमारे 70 साल हो गए दुकानों में, हमारे बाप दादा के जमाने से दुकानें चल रही है, कोई ऐसे थोड़ी ना है। वहाँ पर मीटर का बिल आता है, टैक्स भरते, ये फालतू है क्या सब? कुछ अधिकारियों को ये कहना था कि आप लोगों ने अतिरिक्त बहुत सामान बढ़ा दिया आपका।
आगे भी बहुत ले लिया। चलो ठीक है ना, अतिरिक्त है ठीक है, तो एक नोटिस तो देना चाहिए कि बाबू चलो सर हटा लो थोड़ा सा, हाँ अतिक्रमण तुम्हारा ज्यादा हो गया है। कोई नोटिस नहीं, विदाउट नोटिस आया और सीधा मार दो, ऐसा तो कौन है, ये कानून थोड़ी ना, हमारी इतनी भरपाई है, कौन देगा ये भर के, कौन देगा ये भर के। जिस प्रकार से इनका जो नुकसान हुआ है, इनका ये जो जो खामियाजा हुआ है, ये आखिरकार भर के कौन देगा, ऐसा इनका कहना है। मनपा प्रशासन ये जो इनका जो नुकसान है वो इसके ऊपर में कदम बढ़ाएंगी क्या, ये एक देखने वाली बात होंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जब से नागपुर शहर में जो कमिश्नर है तुकाराम मुंडे साहब, इन्होंने जब से ये पदभार संभाला है और अतिक्रमण जो कार्रवाई है इलीगल तरीके से जो शहर में धड़ल्ले से जो अतिक्रमण होता है उसकी रोकथाम करने के लिए उन्होंने ये पहला कदम उठाया। अब देखना ये होगा कि शहर के और कौन कौन से इलाके में किस किस तरह से यह कार्रवाई जारी है, मगर उसके साथ अगर ये कार्रवाई होती है तो कहीं इसका स्वागत भी किया जा रहा है, तो कहीं एक बात और भी नज़र में आई है कि मनपा प्रशासन की ओर से जो इनसे पैसे जो हटे जा रहे हैं वो गलत तरीके से हटे जा रहे हैं, ऐसे कुछ दुकानदारों का कहना है। अब देखना ये होगा कि अतिक्रमण कार्रवाई फिर से होगी या फिर ये दुकानदार अपना इनका जो पहले का जो रूप था, जो पहले की जो दुकानदारी थी वो अपने अपने जगहों पर रहेगी या नहीं, एक देखने वाली बात होगी। संतरा मार्केट से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।